हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं लक्षित वैष्णव आप लोग का स्वागत करता हूं लकी गेमिंग वेब में। सो गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5, और मैं आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे कैसे गेम स्टार्ट होता है और आपको मेजर प्रॉब्लम्स आती है। पहले तो स्क्रीन बड़ी नहीं होती है किसी लोगों की, और कई कई लोगों की स्क्रीन बड़ी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ढंग से दिख भी नहीं पाता है सीन। और बाकी एक यही सेटिंग मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, देखा कि आप नीचे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो मैं आपको पहले जाके दिखाता हूँ। सेटिंग्स में आपको जाना है, सबसे पहले यहाँ जो सेटिंग्स है इस पे जाइए, क्लिक करिए और फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे एक ऑप्शन दिखेगा ग्राफिक्स का। इसको आपको ग्राफिक्स के ऑप्शन में जाना है, और उसके बाद जाने के बाद आपको साइड में ही एक फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इस फुल स्क्रीन को आपको स्क्रीन यही रखनी है, मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ, ये आगे पीछे भी होती है। तो आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन ही रखना है जैसा मैंने रख चुका हूँ। आपके कुछ और होगा आप उसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। और नीचे इसकी लेंथ और वेथ दी गई है, तो आपको जो मैंने लेंथ और वेथ रख रखी है बस वही लेंथ और वेथ रखनी है, और आपको चेंज नहीं करनी है। आप चाहो तो 1200x780 कर सकते हो, पर मेरे लिए ज़्यादा सही रहती है, सही से खेला जाता है, इसलिए मैं रखता हूँ। आप इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। मेरा ये हुआ हुआ है इसलिए मैं बैक क्रैक कर देता हूँ, हो गया बैक। और मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक्स गेम। ये मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि पिछले वाले ऑफलाइन वगैरह तो स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तक ये ऑनलाइन स्टार्ट होता है, आप सब लोग ये जानना चाहते हो कि GTA 5 कहाँ से खरीदे, क्या इसकी CD लानी चाहिए या फिर ऑनलाइन खरीदना चाहिए। सो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो ख़रीदा है वो ऑनलाइन ख़रीदा है स्टीम से। सो आप भी स्टीम से खरीद सकते हो, आपको इसी में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक ऑनलाइन का ऑप्शन भी होगा, स्टंटमेनिया भी होगा, और काफ़ी सारे GTA 5 अपडेट देता रहता है तो अपडेट भी होते रहेंगे। और जैसे आप कई सारे मोड्स इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे कि टेक्नो विमर्शन करते हैं, तो आप वो मोड्स इंस्टॉल कर सकते हो, पर आपको उनके लिए अलग से फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो गेम में स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन वाला, बस थोड़ा टाइम लगता है। इसमें सारे फीचर्स आप जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है आप ये ले भी सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं। और एक बड़ी प्रॉब्लम जो आती है लैग की, वो मैं आपको गेम में बताऊंगा कि लैग सॉल्व कैसे होता है। हमारा गेम अभी बस स्टार्ट होने वाला है, वेट फॉर अ व्हाइल, इट्स गोइंग टू स्टार्ट। और ये लीजिए, हमारा गेम भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आ चुका हूँ फ्रैंकलिन के कैरेक्टर पे, और फ्रैंकलिन का कैरेक्टर आप देख ही पा रहे हो, घोड़े वोड़े बनाने का जानता है। तो हम चलते हैं घर से बाहर, हमारी बाइक लेते हैं, इतनी ऑसम बाइक है हमारे पास। ऑसम बाइक पे हम चलते हैं राइड पे, तो राइड पे आ चुके हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरा गेम बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है। तो आपका गेम भी ऐसे बन सकता है, जैसे कि मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ PC या फिर क्या प्रॉब्लम होती है कि लैपटॉप में खेलते हो तो आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम ये होती है कि आप चार्ज नहीं लगाते उसको, और आप PC या फिर लैपटॉप उससे फाइल को हैंडल नहीं कर पाते। बहुत बड़ी फाइल होती है फाइल की, इस वजह से वो हैंडल नहीं कर पाता है।